मंगल 1 जून 2024 को दिन में 3:27 पर अपनी ही स्वामित्व वाली मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। मंगल का मेष राशि में गोचर हमारी 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, आज हम 12 राशियों में से मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करेंगे। इन्हें इस समय अवधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे और क्या कार्य करना इनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, तो यह सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। और जो नए व्यूअर्स चैनल पर हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए मंगल चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में माता और शुक्र के चतुर्थ भाव पर मंगल गोचर करने वाले हैं। मंगल के इस भाव पर गोचर के चलते आपको अपनी सुख सुविधाओं में कमी और पारिवारिक मामलों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए कार्य का दबाव बढ़ने वाला है और आपको संतुष्टि की कमी महसूस होगी। व्यावसायिक मोर्चे पर व्यवसाय से जुड़े जातकों को इस दौरान कुछ कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। साथ ही आपको अच्छा मुनाफा कमाने के लिए भी अधिक श्रम करना होगा। आर्थिक मोर्चे की बात करें तो आपको अपने पारिवारिक मामलों में इस दौरान धन खर्च करना पड़ सकता है। रिश्तों के संदर्भ में पारिवारिक समस्याओं के चलते आप अपने जीवन साथी के साथ मुद्दों पर अड़े हुए नजर आएंगे। बात करें स्वास्थ्य की तो आपके प्रतिरक्षा की कमी के चलते आप अपने जीवन में आराम खो सकते हैं। इस समय अवधि में आपको अपने माता के स्वास्थ्य पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए भगवान हनुमान की नित्य आराधना करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए मंगल तीसरे और दशम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में छोटे भाई बहन और पराक्रम के तृतीय भाव पर मंगल गोचर करेंगे। मंगल के इस गोचर काल की अवधि में आप अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपके लिए यात्रा के लिए अधिक समय रहने वाला है। आप करियर जीवन में भी मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। साथ ही इस दौरान आपको प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। साथ ही व्यावसायिक मोर्चे पर आप अपने प्रतिस्पर्धियों के समक्ष प्रबल दावेदार के रूप में अपनी छवि बनाने में कामयाब रहेंगे। आर्थिक तौर पर भी आपको इस समय अवधि में धन लाभ होने वाला है। आप अच्छा खासा धन संचित कर पाएंगे। रिश्तों की बात करें तो आपका अपने जीवन साथी के साथ रिश्ता सुखी, खुश और संतुष्ट रहेगा। स्वास्थ्य जीवन में आपके अंदर ऊर्जा और साहस भरपूर रहेगा, जिसके दम पर आप फिट रहने वाले। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए मंगल के बीज मंत्रों का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए मंगल दूसरे और नवम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वाणी, कुटुंब और संचित धन के द्वितीय भाव पर मंगल गोचर करने वाले। मंगल के इस गोचर काल की अवधि में आप अच्छा पैसा कमाने में और भाग्य के साथ पाने के बारे में ज्यादा चिंतित नजर आ सकते हैं। करियर के मोर्चे पर आप कार्य में विशेषज्ञता विकसित करेंगे और इसे आप मजबूत संचार के रूप में दिखा सकते हैं। व्यावसायिक मोर्चे पर आपको नए उद्यम के लिए अधिक लाभ और सफलता प्राप्त होने वाली है। आर्थिक तौर पर भी आपका धन लाभ होगा, इससे आप भविष्य के लिए एक अच्छी बचत करने में सक्षम होंगे। जीवन साथी के साथ रिश्तों में खुशियां मिलेंगी और आप अपने रिश्ते में एक मिसाल कायम करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आप फिट और तंदुरुस्त रहेंगे। आपको इस समय अवधि में कोई भी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए मंगलवार के दिन लाल चीजों का दान करें। तो यह था मंगल का मेष राशि में होने वाला गोचर, जिससे मकर, कुंभ और मीन राशि इस प्रकार प्रभावित होने वाली। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।